हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 का टॉपिक आपको लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया गया था। आपसे कहा था कि इस एक्सरसाइज के आप 8 क्वेश्चन कर लें, टोटल 9 क्वेश्चन है। मैंने कहा था अभी 9th ट्राई ना करें, जितना मैंने पढ़ाया उस हिसाब से 8 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया है d² + d - 2y = e^x। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के पहले CF निकाल लेते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन है d² के प्लेस पर m रख दें, m² + m - 2 = 0, ठीक है। fd जो फंक्शन है ये d का, आप यहाँ d के प्लेस पर m रख दें और इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, तो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फैक्टर कर लेंगे, टू के फैक्टर जिनका समय सब्ट्रैक्शन 1 आना है, तो मैं 2m - m लिख दूं। m कॉमन लेंगे तो m + 2 और -1, तो ये भी m + 2 हो गया। तो m - 1 और m + 2, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। यानी अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगा तो दो वैल्यू आएंगी, एक तो +1 और एक -2। दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए जो CF है वो आपको लिखवाया हुआ है सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि CF होता है c1e^m1x + c2e^m2x। क्लियर, ये हमारे पास C1 आ गया, मतलब CF आ गया। नाउ बात करें PI निकालने की, तो PI के लिए फॉर्मूला लिखवाया 1/FD * Q। Q यहाँ है e^x, और अगर मैं FD की भी वैल्यू रख दूँ तो क्या है FD? d² + d - 2 * e^x। अब a है यहाँ 1, x का कोफिशियंट, उसे हम a बोलते हैं। फंक्शन में आप a पुट करके देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 और -2 0। अगर फंक्शन 0 बन गया तो आपको इसका डिफरेंशिएट करना होगा। दो तरीके बताए थे, लास्ट वीडियो जाके आप देख लें अगर नहीं देखी है तो, ठीक है, इससे पिछला लेक्चर। फिलहाल दूसरा तरीका आप सबको इजी लगा था, तो मैं उसी से ही क्वेश्चन करा देता हूँ जो इजी है। आप डेरिवेटिव करेंगे इसका, यह आएगा 2d + 1, एक्स यहाँ लिखेंगे e^x। अब पुट करके देखेंगे, डी के प्लेस पर 1, 0 तो नहीं बन रहा, ठीक है, अब 3 बन रहा है, तो बस आप उसे पुट कर लें e^x, और ये आ गया 1/3। ये हमारे पास PI आ गया। तो जो फाइनल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो CF + PI है। तो CF कितना है, c1e^x + c2e^-2x + PI। PI कितना, 1/3 x e^x। ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार आप आंसर देख लें, तो c1e^x + c2e^-2x और +1/3 x e^x, नोट कर लीजिए आप। ऐसे तो हो गया होगा ये क्वेश्चन, उम्मीद करूँगा सबका जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, d² + -2d + 1 y = e^x। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करना है। ये FD, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल कर CF निकाल लें। देखिए CF तो निकलेगा ही, पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे CF तो सब में ही निकलेगा, और सिर्फ वही मेथड है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा, m² - 2m + 1 = 0। इसके फैक्टर करूँगा तो -m - m + 1, m कॉमन लिया तो m - 1, प्लस या -1 कॉमन लिया तो m - 1, तो m - 1 का होल स्क्वायर बन गया, दो बार m - 1 आ रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि m - 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो m की दो वैल्यू आई,
और दोनों ही वैल्यू कितनी आई है 1। ठीक है, सी एफ क्या आएगा? आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बताया था कि अगर वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर, और वो जो सेम वैल्यू है वो एम वन के प्लेस पर या एम के प्लेस पर 1 इंटू एक्स, ये सी एफ आ गया। नाउ पी आई निकालना है। ठीक है, पी आई कैसे निकालोगे आप? 1 अपॉन एफ डी क्यू, 1 बाय एफ डी इंटू क्यू। क्या है एफ डी यहाँ? ये फंक्शन, ये एफ डी है, तो एफ डी के प्लेस पर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, क्यू है e की पावर x। अगर 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 2 प्लस 1, ये 0 बन रहा है। जब 0 बनता है तो आप क्या करें, इसका डिफरेंशिएट करा दें, 2d माइनस 2 x यहाँ आएगा। अब फिर चेक करो, 1 रखना है, फिर अभी फिर 0 बन रहा है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करा लो और एक x और यहाँ लगा दो, तो 1 अपॉन 2 ही बच गया अब तो। ठीक है, अब इसका d की वैल्यू के पुट करने के लिए कुछ नहीं बच रहा, तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर ई की पावर x, ये pi आ गया। जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा? सी एफ प्लस पी आई। क्या है सी एफ? ये है सी एफ, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर x प्लस पी आई 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर ई की पावर x। क्लियर है बात? आ रही है समझ में? ठीक है, देखिए आप लिख लें इसे कंप्लीट, एक बार आंसर देख लें। तो सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर ई की पावर x। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 वाई इक्वल्स टू ई की पावर 2x। ठीक है, क्या करेंगे हम? पी आई वो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं सबसे पहले, सी एफ निकाल लें। तो एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 6 के फैक्टर जिनका सम सब्ट्रैक्शन 1 आ जाएगा, तो 3 और 2 3m माइनस 2m माइनस 6, m कॉमन लेंगे तो m प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो m प्लस 3। तो हमारे पास वैल्यू आ गई m प्लस 3 और एक वैल्यू आ गई m माइनस 2, तो m की दो वैल्यू आ रही है, दो फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर अलग अलग आंसर दे रहे हैं, एक 3 माइनस का और एक प्लस का 2। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है, तो सी एफ क्या होगा? सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स। लगा दो आप सी एफ, निकाल दो, सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स। नाउ पी आई निकालना है। पी आई क्या है? 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। एफ डी कितना है? डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 और क्यू है ई की पावर 2x। अब 2 पुट कर देखोगे आप, यहाँ जो भी x का कोफिशियंट ई की पावर में लिखा हुआ है, ये a आपको यहाँ पुट करना है, देखना है 0 तो नहीं बन रहा। अगर 0 नहीं बन रहा तो वहीं पुट करा दो, आंसर आ गया। जो सेकेंड एक्सरसाइज कराई थी वो बिल्कुल ऐसे ही थी, उसके सभी क्वेश्चन ऐसे ही थे कि पुट कराया 0 नहीं बन रहा, वही आंसर है। पर जब पुट कराने पर 0 बन रहा है तब आप डिफ्रेंशिएट कराते हैं। देखिए जरा, 2 पुट कराओगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 और 6 माइनस 6 0, 0 बन रहा है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कराओ। x यहाँ लिखा, ये हो गया 2d प्लस 1 e की पावर 2x। फिर से 2 पुट कराओ d के प्लेस पर, अब 2 पुट कराने पर 0 नहीं बन रहा, ये बन गया x, ये हो गया 5, 2 टू जा 4 प्लस 1 5 और e की पावर 2x। ये pi आ गया। क्लियर है बात? y निकाल दो, कैसे निकलेगा? सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है? ये रहा सी एफ, सी वन ई की पावर माइनस 3x प्लस सी टू ई की पावर 2x, ये मेरे पास y आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? सी एफ प्लस पी आई और लिखूं
तो पी आई है 1/5 एक्स ई की पावर 2x, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कंप्लीट आपके पास सॉल्यूशन आ गया। देख लें आप, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -3x, ठीक है, तो आगे पीछे हो जाएंगे, m1 m2 कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 एक्स ई की पावर 2x, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, अगर एक बार मैथड आप पकड़ गए तो सारे क्वेश्चन खुद खुद कर लेंगे, आपको सब सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारे सॉल्यूशन फिर भी इसलिए करा रहा हूँ ताकि जिसका जो डाउट है वो बच्चा वो क्वेश्चन अपना देख ले। देखिए जरा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दिया है d²-4d+3y2e³x, ये क्वेश्चन, ठीक है, करना क्या है, ये fd फंक्शन हो गया, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, m²-4m+3=0, फैक्टर करेंगे तो 3m-m या m-3, -1 कॉमन लिया तो m-3, ये आ गई दो वैल्यू, m की दो वैल्यू आ रही है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो cf क्या निकल गया, c1e²m1x+c2e²m2x। बात रही pi की, तो pi कैसे निकालोगे आप, 1/fd(q), क्या है fd, d²-4d+3, यह है 2e³x, तो देखिए 2 को तो आप आगे ऑलरेडी लिख ही सकते हैं, ये 2 तो यहाँ ही जाएगा इस ऑपरेटर से बाहर, x के साथ कोफिशेंट है 3, यानी a की वैल्यू है 3, 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9+3=12 और -4×3 -12, सोल्व करके आगे 0, तो जब fd की वैल्यू 0 आ रही हो तब आप इसे डिफरेंशिएट कराओ, 2d-4 और x यहाँ लिखेंगे e³x, अगेन आप यहाँ 3 पुट कर चेक करें, पुट कर कर चेक करें कि ये 0 तो नहीं बन रहा, 3 रखो, 3 × 6 -4, ये तो 0 नहीं बन रहा, तो बस पुट करा दो, कितना हो गया 6 - 4 2 बच गया, e³x, तो ये x e³x, ये pi आ गया, ठीक है, ये आ गया pi, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, cf+pi, क्या है cf, c1e²x+c2e³x+pi क्या है, x e³x, ठीक है, एक बार आंसर देख लो, तो c1e²x+c2e³x+xe³x3x, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है, चलें आगे, लिख लें आप इसे आराम से, चलो स्क्रीनशॉट ले लें, मतलब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है, d³+3d²+3d+1y e²-x, ठीक है, सोल्व कर लें, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें सबसे पहले, तो अब ये m³+3m²+3m+1=0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है, ठीक है, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करा लें, क्यूबिक इक्वेशन है, पहले m की जगह 1 रखा, 1 रख करके तो 0 नहीं बनेगा, -1 रखो, -1+3 -3+1, यस, अगर आप पुट कराते हैं m के प्लेस पर -1 तो fm हमारा 0 बन जाएगा, दैट इज m -1 इधर ले आओगे तो +1, m+1 इज अ फैक्टर ऑफ fm, m+1 fm का एक फैक्टर आ गया, m+1 से इसको डिवाइड कराओ, m³+3m²+3m+1, तो m²
ये आ गया एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m, तो ये हो गया 2m स्क्वायर प्लस 2m, ये कैंसिल, यहाँ m बच गया प्लस 1, तो प्लस 1 से इंटू करा लोगे तो m प्लस 1, ठीक है। तो जो fm है क्या लिख सकता हूँ इसको, एफ एम इक्वल्स टू जीरो, ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब एफ एम इक्वल्स टू जीरो, और एफ एम को अब हम एम प्लस वन और एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन में ब्रेक कर दें, मतलब इसके फैक्टर कर लिए हमने ये दो, एम प्लस वन एक फैक्टर है और एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन एक फैक्टर है, ये फर्दर अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो हम कर लें, ये एम प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, वैसे तो एम कॉमन लेंगे एम प्लस वन और 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस वन, तो ये बन गया m प्लस वन, m प्लस वन की क्यूब ही बन जाएगा बल्कि, ठीक है। आप सीधे सीधे चाहते तो इसको डायरेक्ट भी m प्लस वन की क्यूब लिख सकते हैं, अगर आपके याद है तो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला इस स्टेप से सीधे ही ये लिखो, इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फैक्टर करने की जरूरत क्या जब आपको क्यूब का फॉर्मूला दिख गया, लेकिन अगर नहीं चमक रहा तो आएगा तब भी आंसर वही। तो m की यहां तीन वैल्यू आ रही हैं और तीनों ही वैल्यू माइनस वन आ रही हैं, तो cf क्या है, c1 e की पावर c1 प्लस c2x प्लस c2x स्क्वायर e की पावर माइनस x, ये cf आ गया, pi 1 बाय fd इंटू q, क्या है fd, dq प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू क्यू, क्यू क्या है, e की पावर माइनस x, तो हमें पता है माइनस अगर हम पुट करते हैं तो जीरो बन रहा है, कराओगे क्या इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ लिख देंगे x, कितना आएगा 3d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 3 e की पावर माइनस x, फिर से 1 पुट कराओ माइनस का, तो ये तो प्लस हो गया 3, ये माइनस 6, ये प्लस 3 है, तो प्लस 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 6 0, तब भी 0 बन रहा है, फिर आप ये करो इसे एक और x लिख दो यहाँ, ये 6d प्लस 6, अभी भी अगर आप माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो अभी फिर भी 0 बन रहा है ये फंक्शन, तो एक बार और डिफरेंशिएट कराओ बस, अब ये आंसर आ गया, ठीक है। तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वट इज सी एफ, यह आया सी एफ, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी टू एक्स सी थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस पी आई वन अपॉन सिक्स ई की पावर माइनस एक्स एक्स क्यूब, सॉल्यूशन देख लो एक बार आप, आंसर देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन सिक्स ई की पावर माइनस एक्स एक्स क्यूब, ये आंसर, स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मैंने लेंथी कर दिया, आप इस स्टेप से सीधे ही ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि आप कह देंगे कि हमें एम प्लस वन की होल क्यूब का फॉर्मूला पता था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 2x, ठीक है। अगर आप इसे डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल डी लिख लें तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 डी वाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 2x, ठीक। कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो,
सी एफ निकालने के लिए, ये हो गया एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स। यहाँ पे फैक्टर अगर करूँ तो माइनस थ्री एम माइनस टू एम, एम कॉमन लिया एम माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन लिया तो एम माइनस थ्री, ये हो गया एम माइनस टू एम माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एम की वैल्यू या तो टू है या तो थ्री है। सी एफ क्या आ गया, सी एफ क्या आ गया, सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स, ये सी एफ आ गया। पी आई कैसे निकलेगा, वन अपॉन एफ डी इन टू क्यू। अब यहाँ क्यू है दो, आप ऐसे लिखोगे पी आई इक्वल्स टू वन बाय एफ डी, दोनों का अलग अलग कर लो, एफ डी ये है डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू एक ई की पावर एक्स प्लस वन बाय डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स ई की पावर टू एक्स। तो वन अगर मैं रखता हूँ तो वन माइनस फाइव प्लस सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन माइनस फाइव, जीरो नहीं बन रहा। तो यहाँ तो सीधे पुट करा दो वन माइनस फाइव प्लस सिक्स, पर यहाँ अगर आप टू रखते हैं, ए के प्लेस पर टू है ना, तो टू रखते हैं तो टू का स्क्वायर फोर माइनस फाइव और प्लस सिक्स, फाइव टू जे टेन, माइनस टेन और प्लस टेन जीरो बन जाएगा। तो यहाँ आपको एक्स इसका डेरिवेटिव टू डी माइनस फाइव और ई की पावर टू एक्स, ठीक है। फिर से आप टू पुट करा लें तो अब जीरो नहीं बन रहा, अब आप सिंपल लिख सकते हैं सिक्स प्लस वन सेवन माइनस फाइव टू, तो वन अपॉइंट टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर टू एक्स बाय फोर माइनस फाइव तो माइनस वन, ये पी आई। जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या है, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है, सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस पी आई, अच्छा अभी सी ये भी रह रहा है, सी टू ई की पावर थ्री एक्स प्लस वन बाय टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर टू एक्स, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स का। तो y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर थ्री एक्स प्लस वन बाय टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर टू एक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक ए एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इजीली निकल जाएगी, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एम की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस की। तो सी एफ हमारे पास सी वन ई की पावर ए एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस ए एक्स, सी एफ तो निकल गया। बात करते हैं पी आई की, तो पी आई निकालेंगे वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू, क्यू है कोस एच ए एक्स, एफ डी है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का फॉर्मूला लगा दें, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस बाई टू, ठीक है। अब दोनों का अगर आप अलग अलग ले लें एफ डी, तो ये आ गया प्लस वन बाय टू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए। अब चाहे प्लस ए पुट करो या माइनस ए, दोनों ही जीरो बन रहे हैं, दोनों ही केस में आप इसे डिफरेंशिएट करा लें, एक्स बाय टू वन बाय टू डी e की पावर ए एक्स प्लस एक्स बाय टू वन बाय टू डी ई की पावर माइनस ए एक्स। पुट कराओ फिर से, अगर आप a पुट कराएंगे तो अब जीरो नहीं बन रहा, ये हो गया टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस एक्स बाय टू माइनस टू ए ई की पावर माइनस ए, यानी x बाय फोर ए ई की पावर ए एक्स माइनस
एक्स बाय फोर ए ई की पावर माइनस एक्स, ये पी आई निकल गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। क्या है सी एफ, सी वन ई की पावर ए एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस पी आई एक्स बाय फोर ए ई की पावर ए एक्स माइनस एक्स बाय फोर ए ई की पावर माइनस एक्स। फाइनल आंसर आ गया। तो एट्थ क्वेश्चन का अगर आप फाइनल आंसर देखते हैं, एट सेवन्थ का, तो सी वन ई की पावर ए एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस ए एक्स, यहाँ आप थोड़ा सा इसको सोल्व और कर सकते हैं। एक्स बाय टू ए कॉमन ले लें अगर, तो ये e की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स बाई टू बचेगा, और ये साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है, फर्स्ट ईयर में आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक में पढ़ा होगा जरूर, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। क्लियर, चलिए फिर लिख लें क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा था पिछले क्वेश्चन के मुकाबले, इसके अंदर वही हाइपरबोलिक के अंदर क्वेश्चन था और हाइपरबोलिक में ही आंसर है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नाइन्थ मैंने आपसे बताया था, अभी आपको नाइन्थ नहीं करना, जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको सिर्फ अभी क्यू क्यू की जगह जो ई की पावर ए एक्स वाली फॉर्म है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। वो फॉर्म अभी आएगी जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर लग रही है, वो भी साइन टू एक्स वाले में, तो साइन टू एक्स वाली फॉर्म अभी आपको नहीं बताएंगे। डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब माइनस फाइव डी स्क्वायर प्लस सेवन डी माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ई की पावर टू एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लें, एम क्यूब माइनस फाइव एम स्क्वायर प्लस सेवन एम माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। पहले एम के प्लेस पर वन रख लें, तो वन माइनस फाइव प्लस सेवन माइनस थ्री, सेवन प्लस वन एट और माइनस फाइव माइनस थ्री एट, तो ये जो है अगर आप पुट करते हैं एम के प्लेस पर वन, तो ये जीरो बन रहा है, एफ एम क्या बन रहा है, जीरो। तो m माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा, m माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एम, एफ एम का ये एक फैक्टर बन जाएगा। और अगर मैं m माइनस वन से इसे डिवाइड कराऊं, एम क्यूब माइनस फाइव एम स्क्वायर प्लस सेवन एम माइनस थ्री, तो एम स्क्वायर ये आ गया एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस सेवन एम, तो माइनस फोर एम से इंटू करा लें, माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस माइनस ये आ गया थ्री एम माइनस थ्री, तो प्लस थ्री अगर हम चलाएंगे तो थ्री एम माइनस थ्री, ये भी कैंसिल आउट जीरो। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ एफ एम की वैल्यू जीरो है, यानी एम माइनस वन और एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस थ्री, ये दो फैक्टर हमने बना लिए। इसको कि अभी सोल्व और सोल्व कर लें, तो ये एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस एम प्लस थ्री, तो एम कॉमन लेंगे एम माइनस थ्री, माइनस वन कॉमन लेंगे तो एम माइनस थ्री, तो फैक्टर आ गए एम माइनस वन एम माइनस वन एम माइनस थ्री, तीन फैक्टर आ गए, जहाँ दो फैक्टर सेम आंसर देंगे, एम की दो वैल्यू सेम है वन और एक वैल्यू है थ्री। तो सी एफ क्या आ गया, सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स, नहीं गलत हो गया ना, जब दो वैल्यू सेम आंसर देती हैं तो क्या बताया था, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स, या क्लियर। पी आई देखिए ज़रा, पी आई कैसे निकालोगे आप, क्या है पी आई, वन बाय एफ डी इंटू क्यू, एफ डी है ये
डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3 इंटू ई की पावर 2x कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स का हम फंक्शन यूज़ कर लें, क्या होगा फंक्शन, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, मैं इधर से रफ कर रहा हूँ, नोट कर लें आप, ये मेन CF मिल चुका, CF काम आएगा बस यहाँ, तो फिलहाल ये सब CF निकालने के लिए किया था। CF निकालना आपको पहली एक्सरसाइज में बहुत बहुत बढ़िया करके समझाया था, आप वहाँ देख लें अगर CF निकालना नहीं आता। इनटू कराऊंगा क्या आएगा, तो PI ये आ गया 1/DQ माइनस 5D स्क्वायर प्लस 7D माइनस 3। जब आप इसकी इनटू कराएंगे तो e की पावर 3x ये हो जाएगा और बाय 2, मैं इसे आगे लिख दूँ 1/2 प्लस ये फंक्शन इसके साथ भी जाएगा, ये आएगा e की पावर x बाय 2 1/2 डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3 e की पावर x की बाय 2 पहले लिख लिया, तो दोनों ही वैल्यू ऐसी आ रही है, 3 पुट करके भी 0 बन रहा है और 1 पुट करके भी 0 बन रहा है। आप इसको डिफरेंशिएट करा लो, 3d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 7 e की पावर 3x इंटू एक्स यहाँ आएगा, सभी डिफरेंशिएट करा दो, तो 3d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 7 e की पावर x यहाँ लिखा। तो अगर आप 3 रखेंगे अब, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 27 प्लस 7 34 और माइनस 30, तो ये 4 बचेगा। अब तो 0 नहीं बन रहा, आप पुट करा लो, ये आ गया 4, पर यहाँ अभी 1 पुट करने पर 0 ही आ रहा है, 3 प्लस 7 10 और माइनस 10, फिर डिफरेंशिएट कराओ, एक एक्स और लिख दो 6d माइनस 10, आप पुट करा लो 1, अब यहाँ भी 0 नहीं बनेगा, तो x बाय 8 e की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ 1 रखोगे तो 6 माइनस 10 माइनस 4, तो माइनस 8 e की पावर x, ये PI आ गया। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, CF प्लस PI, CF ये है और PI x बाय 8 e की पावर 3x माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर e की पावर x। ठीक है, यही आपकी बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन अभी नहीं करना था, फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपने एक्सरसाइज कर ली होगी क्योंकि वीडियो बनने में काफ़ी समय भी लग गया, जो आपको टॉपिक समझाया था वो कई दिन पहले बताया था, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप देख लें, लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।